जबलपुर से एक बड़ी खबर है। सुरेंद्रनाथ सिंह की बेटी की याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में राज्य सरकार ने जवाब पेश किया। अपने पिता के साथ रहना चाहती हैं भारती सिंह। भोपाल अदालत में अपने बयान दर्ज किए हैं। इसका हवाला दिया गया। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है जिला अदालत में दर्ज बयानों को पेश किया जाए। 13 नवंबर को अगली सुनवाई है। भारती सिंह से सुरक्षा के लिए ली गई थी हाईकोर्ट में शरण। परिजनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये याचिका लगाई गई थी। विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विजेंद्र बताएं जरा पूरा मामला विस्तार से। जी हाँ पुनीत, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह की बेटी भारती सिंह ने जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली थी और यहाँ एक याचिका दायर की गई थी उनकी ओर से, और अपने पिता से ही सुरक्षा की मांग की थी और कई गंभीर आरोप लगाए थे कि उन पर जबरन शादी करने का एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है, इसके लिए नशे के इंजेक्शन देने का आरोप लगाया था और सुरक्षा पुलिस सुरक्षा दिए जाने की मांग की थी। लेकिन इस बीच जो दूसरा घटनाक्रम हुआ था, सुरेंद्र नाथ सिंह ने अपनी बेटी को वापस दिलवाने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी और इस दौरान जो भारती सिंह है वो अपने पिता सुरेंद्र नाथ सिंह के साथ ही मौजूद है। बीते दिनों जो घटनाक्रम हुआ था उसमें भारती सिंह की ओर से भोपाल जिला अदालत में अपने बयान दर्ज करवाए गए थे, उन्हीं का हवाला आज इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दिया गया। कोर्ट की में कहा गया स्टेट की ओर से कि भारती सिंह अब अपने पूर्व विधायक जो पिता है सुरेंद्र नाथ सिंह उनके साथ ही रहना चाहती है, लिहाजा हाईकोर्ट ने इस मामले पर अब स्टेट से कहा है, राज्य सरकार से कहा है कि भारती सिंह ने जो बयान दर्ज करवाए थे भोपाल जिला अदालत में उसकी एक कॉपी हाईकोर्ट में पेश की जाए और 13 नवंबर पर को इस मामले की अगली हियरिंग के लिए तय किया गया है। और इस दौरान अब जब 13 नवंबर को ये साफ होगा कि हाईकोर्ट में जब ये बयान पेश किए जाएंगे तो देखना होगा कि भारती सिंह के वकीलों का क्या पक्ष रहता है। फिलहाल जो दावा किया गया सरकार की ओर से उसकी पुष्टि के लिए उन बयानों की कॉपी जो है हाईकोर्ट ने पेश करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। पुनीत बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक याचिका लगी थी अपने परिवार से सुरक्षा मांगने को लेकर के, लेकिन इस पर जो राज्य सरकार की तरफ से जवाब पेश किया गया, अब इस पर अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।